माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साबरकोटा लोकसभा मत क्षेत्र में चिलोड़ा से हिम्मतनगर होकर श्यामला जी हाईवे निर्माण कार्य चल रहा है। एक हाईवे में 4 लेन से 6 लेन में परिवर्तन हो रहा है। पिछले बहुत लंबे समय से हाईवे का निर्माण कार्य की बिल्कुल न के बराबर धीमी गति से हो रहा है। संबंधित अधिकारियों को भी इस विषय पे रूबरू माहितीगर की है, लेकिन कोई फर्क नहीं है। मेरे मत क्षेत्र से लोगों के भी भारी तकलीफ आना का सामना करना पड़ता है। यह रूट पे वाहनों की भारी दिक्कत हो रही है, ड्राइविंग करना पड़ना भी मुश्किल हो रहा है। टोल रोड पे धीमी ड्राइविंग गति से स्वीकार्य नहीं है, फिर भी टोल टैक्स लेना चालू है। यह टोल बूथ ऐसी जगह पे है जहां आसपास के गांव के लोगों किसानों को नजदीक से बाजार केंद्र तरफ और पांतिस तरफ जाना आना और आगे जिला के मुख्यालय हिम्मतनगर जाने रोजाना जाना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बात की ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ 15 किलोमीटर के किसानों को वाहनों को न्यूनतम दर पे मासिक पास का प्रावधान देने का लिए मेरी विनती करता हूँ। साथ में जरूरी सर्विस रोड और नजदीक गांवों के लिए आमने सामने आने जाने का लिए सर्विस रोड जरूर और कट देना भी विनती करता हूँ। आपके माध्यम से संबंधित विभाग से NHAI को इस विषय में तुरंत सही कदम उठाए ऐसी मांग करता हूँ, और टोल रोड पूरा करने के बाद भी टोल टैक्स वसूल करे, यही मेरी अपने माध्यम से मांग।